नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुरणा सोशल मीडिया में पंचवार थ्रेड सचिवार का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पांडुरणा में सोशल मीडिया में पंचवार भ्रष्टाचार का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सीधे अधिकारियों पर आरोप लेते हुए शिकायतकर्ता तेजस सुर जोसे, अमृत नवडेती, दीपेश तहकित, हाफिज खान और अन्य आरोपी हैं कि ग्राम मांगुरली पंचायत संबंधी भ्रष्टाचार की शिकायत दी गई थी, लेकिन 1.5 साल पूरा हो रहा है लेकिन उस पर कोई कार्रवाई तो आचरण में सुधार लाने की नसीहत देकर शिकायत को बंद करवाते हैं। जब भ्रष्टाचार की शिकायत दे रहे हैं तो जिला पंचायत CEO के लेवल 2 अधिकारी हैं जिन्होंने शिकायत पर आचरण में सुधार की बात कहते हैं। आज अटावा पंचायत का भ्रष्टाचार की शिकायत में कोई सूचना नहीं, कोई प्रतिवेदन नहीं कहा जाता है। जाँच की जा रही है, जब सारा मांजरा साफ है, स्थल निरीक्षण कर चुके हैं, तो ये मामला इटावा पंचायत तहसील पांडुरणा जिला छिंदवाड़ा का बताया जा रहा है। पांडुरणा से ओम प्रकाश मसदकर की रिपोर्ट। हमने CM हेल्पलाइन में शिकायत दी थी मांगुरली की भ्रष्टाचार से संबंधित। उसका शिकायत नंबर था 16-19-91-93। उसमें जिला पंचायत CEO द्वारा क्या जवाब दिया मालूम है? आचरण में सुधार लाए। आचरण में सुधार लाए इसका मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार करके उनसे राशि ले ली है क्या? ऐसे जिला पंचायत CEO नहीं होना, हमें ऐसे जिला पंचायत CEO कहीं देखे हम लोग ने? ऐसे अगर डिसीजन देंगे तो ये कोई काम के नहीं। पद में बैठे हैं तो न्याय संगत करे, न्याय सही करे और भ्रष्टाचार न करे। भ्रष्टाचार वालों से राशि लेकर के न्याय करते, भ्रष्टाचार की शिकायत हमने करी है तो आप उसमें ये लिख के दे रहे कि आचरण में सुधार लाए। भ्रष्टाचार की शिकायत में आचरण से क्या संबंध आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे ही हमने इटावा की शिकायत दी थी, अभी तक उन्होंने उसका कोई जांच प्रतिदिन नहीं बनाया। इतने दिन हो गए, अभी तक उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं दी। आज टालन टोल करके यहाँ से ऊपर, ये ऐसा नहीं चलने वाला है। कार्रवाई करेंगे तो न्यायप्रिय करें और सही करें। यही हम चाहते हैं कि कोई भी कार्रवाई करे तो सही करे और समय सीमा में और जल्दी करे, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो शिकायत थी, नाली गायब, रोड गायब, सब तो ऊपर है। आप लोग तो जोड़ सकते हैं राशि इतनी अगर भ्रष्टाचार को शिकायत में जांचने के लिए इतना समय लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम लोग तो ये न्याय नहीं जम रहा है। हमको इतना ही समझ में आ रहा है कि भ्रष्ट में प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, कोई अधिकारी ऐसे काम ना करे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे और ऐसी अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो ऐसे अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करे, सस्पेंड करे, कोई पद पे नहीं रहे ऐसे वाले अधिकारी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ऐसा उग्र आंदोलन करेंगे कि उसके लिए भरपाई यही होंगे। धन्यवाद।